फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है और मैं आज ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो हम सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। तो प्लीज़ लगी रहिए सुमनराज मिंद यूट्यूब चैनल पर और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में कि इन्वायरमेंट का हमारे बच्चों पर, हम पर क्या असर पड़ता है। तो हम इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण और हमारे परिवार का हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ता है। ये हमारे परिवार में जैसा होता है हमारे बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं, इसलिए हमें अपने परिवार में अच्छे से रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए और अच्छे से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि हम जैसे रहेंगे अपने परिवार में वैसे ही हमारा बच्चा भी सीखेगा और वो उसी तरह से बाहर वालों के साथ भी बिहेवियर मतलब करेगा, व्यवहार करेगा जैसा कि हमारे घर में होगा हमारे द्वारा। जो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जिन घरों में माँ बाप अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, जैसे कि कुछ पेरेंट्स होते हैं उन्हें सिर्फ अपने आप से ही मतलब होता है, अपने बच्चों से मतलब नहीं होता है। कुछ पेरेंट्स होते हैं जैसे किसी बच्चे के पिता होते हैं जो मतलब दारू की पी लेते हैं, बच्चों के खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, बच्चों के पहनने ओढ़ने का ध्यान नहीं रखते, जिससे कि बच्चे पर बहुत ज़्यादा ही बुरा असर पड़ता है और आपस में लड़ते झगड़ते रहते, इससे भी बच्चे पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। इसलिए हम सभी को आपस में प्यार से रहना चाहिए और घर में जितने भी मेंबर होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, उन सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर हम घर में अच्छे से रहेंगे तो हमारा बच्चा भी मिलजुल कर रहेगा और उसके उस पर अच्छा असर पड़ेगा। जब उस पर अच्छा असर पड़ेगा तो उसके मेंटल और फिजिकली भी सब अच्छे से ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम सबको प्यार से रहना चाहिए और बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। तो मिलूंगी कुछ नया लेकर, तब तक लगे रहिए सुमन एडमिन यूट्यूब चैनल पर। बाय बाय।